नमस्कार दोस्तों, आज मैं सैमसंग गैलेक्सी A22 का डिब्बा खोलने जा रहा हूँ। खोलना तो मुझे आईफोन का डिब्बा था, लेकिन किडनी का भाव अच्छा ना मिलने के कारण इसी से काम चला रहा हूँ, तो प्लीज़ मैनेज। कुछ ऐसा दिखता है सैमसंग गैलेक्सी A22 का डिब्बा? जिसकी लंबाई 16.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8.1 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए एक पटरी की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि आप लोग डब्बे की लंबाई और चौड़ाई नाप सकें। फ़ोन के फीचर को बताने से पहले आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान देना होगा, वो है डब्बे की सील। अगर डब्बे की सील आपको टूटी मिलती है तो समझ जाइएगा दुकानदार और सेलर आपका चूतिया काट रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस फ़ोन के फीचर के बारे में। डब्बे के मुताबिक इस फ़ोन की तेज़ी से काम करने की क्षमता 6 GB है, जिसको रैम कहते हैं, और इस फ़ोन की स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 128 GB है, जिसको रोम कहा जाता है। इस फ़ोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसको सुन के आप लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कोई ख़तरनाक डिस्प्ले वाला फीचर है, लेकिन सच्ची बताओ तो मुझे भी नहीं पता इसका क्या मतलब होता है और ना ही आप लोगों को जानने में कोई इंटरेस्ट है। बस इतना समझ लीजिए इस फ़ोन का टच अच्छा काम करता है। तो बात करते हैं कैमरे के लिए, जिसके लिए ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन लेते हैं। इस फ़ोन में आगे भी कैमरा है और पीछे भी कैमरा है। पीछे का कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, जो एक DSLR कैमरे के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, मगर इस फ़ोन से खींची गई फ़ोटो आपको निराश नहीं करेगी। अगर शक्ल ही अच्छी नहीं होगी तो इस फ़ोन का कैमरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आगे का कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, जिससे आप लोग ठीक ठाक सेल्फी ले सकते हैं। इस फ़ोन की बैटरी 5000 mAh की है, जिसका मतलब है ये फ़ोन लंबे टाइम के लिए चलेगा अगर आप लोग फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। इस फ़ोन के साथ 15 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा, जो बिल्कुल भी फास्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपका फ़ोन 1 से लेकर 2 घंटे में पूरा चार्ज कर देगा। आखिर में ये ज़रूर देख लें कि इस डब्बे के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। ऐसा ना हो कि डब्बा खुलने पे आपको घंटा कुछ ना मिले। जैसा कि आप नहीं देख पा रहे होंगे, इस डब्बे के अंदर मोबाइल फ़ोन के साथ एक चार्जर, इजेक्शन बिन और यूजलेस मैनुअल भी मौजूद है। चलिए खोलते हैं डब्बा सैमसंग गैलेक्सी A22 का, देखिए इसमें कुछ है भी कि नहीं। वैसे डब्बे के वजन से तो लग रहा है इसमें कुछ तो है। चलिए डब्बे की सील खोलते हैं और ये खुल रहा है डब्बा धीरे धीरे। अरे क्या, डब्बा तो खुल गया। चलिए देखते हैं डब्बे के मुताबिक इसमें सारी चीज़ें है भी कि नहीं। ये है फ़ोन, चार्जर, डाटा केबल। मैं बता तो ऐसे रहा हूँ जैसे आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा फ़ोन, चार्जर और डाटा केबल क्या होता है। और ये है यूजलेस मैनुअल, इसको देख लें इसमें कुछ है भी कि नहीं है। ओ बेइज्जती हो गई। ये है, इसके साथ ही इजेक्शन पिन लगी हुई है। तो चलिए बात करते हैं फ़ोन के फीचर की। तो फीचर के नाम पे आप लोगों ने घंटा कुछ जानना है। आप लोगों को तो बस कैमरे की क्वालिटी जाननी है और इधर उधर अंगूठा फेर के ऐप चेक करनी होती है। तो चलिए फ़ोन को ऑन करते हैं और ये फ़ोन ऑन हो गया है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका पिछवाड़े वाला कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, और सच्ची बताऊँ तो ये 4 बटन जैसे दिखने वाले कैमरे में से 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा कौन है मुझे भी नहीं पता। बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी का, तो ये ऑन हो जाए फिर हम बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी की। पिक्चर क्वालिटी अच्छी है क्योंकि ये आपके असली शक्ल को छोड़ के सब कुछ दिखाता है। इस फ़ोन में अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आप लोगों को पहले से ही पता होंगी। तो अगर आपकी जेब में इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए रुपए हैं तो बेझिझक इस फ़ोन को ले सकते हैं, नहीं तो आप सीधे आईफोन ले सकते हैं, क्योंकि किडनी तो है ही आप लोगों के पास। मुझे इस फ़ोन को चलाए हुए तकरीबन 1 भी दिन नहीं हुआ है, फिर भी मुझे इस फ़ोन में कोई कमी नहीं दिखी। अगर मेरा डब्बा खोलने की तकरीब आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।